हैदराबादी बिरयानी का नाम सुनते ही दिलो दिमाग में एक अजीब सी खुशबू बस जाती है। हैदराबादी बिरयानी अपने स्वाद के कारण पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। जुगनू की हैदराबाद में चिकन और मटन बिरयानी की दुकान थी। उसकी दुकान में बनती हुई बिरयानी की खुशबू ग्राहकों को उसकी ओर खींच लाती थी। अरे जुगनू भाई, कितनी देर में बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगी? बस थोड़ी देर और लगेगी साहब। अरे भाई, हमसे रहा नहीं जाता जुगनू, अब जल्दी से बिरयानी निकाल कर हमें खिलाओ, वरना खुशबू से ही हमारा पेट भर जाएगा। यह सुनकर वहां सभी लोग हंसने लगते हैं। ठीक है साहब, अभी खिलाता हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक महामारी फैलने की खबर के कारण चिकन और मटन की सप्लाई बंद हो गई, जिसके कारण जुगनू का काम भी ठप होने लगा। जुगनू के पास रखा सारा चिकन और मटन खत्म हो गया, तो उसने अपने ग्राहकों से कहा, देखिए साहब, अब मैं आप लोगों को बिरयानी नहीं खिला सकता, क्योंकि हमें बीमारी की खबर फैलने के कारण चिकन और मटन की सप्लाई नहीं मिल रही है। सभी ग्राहक उसकी दुकान से मायूस होकर लौट जाते हैं। जुगनू अपने घर आता है। जुगनू को उदास देखकर उसके पिता उससे पूछते हैं, बेटा क्या बात है, आज इतने उदास क्यों हो? जुगनू अपने पिता को सारी बात बताता है। जुगनू की बात सुनकर उसके पिता उससे कहते हैं, बस बेटा इतनी सी बात? अरे चिकन मटन नहीं है तो क्या हुआ, सब्जियां पनीर मेवे तो है ना? मैं कुछ समझा नहीं पिताजी। जाओ तुम अभी आराम करो, कल मैं तुम्हारे लिए बिरयानी बनाऊंगा। अगले दिन जुगनू के पिता उसकी दुकान पर जाकर शाकाहारी बिरयानी बनाने लगते हैं, और चावल में पनीर सब्जियां और मेवे डालकर शाकाहारी बिरयानी बनाते हैं, जिसकी खुशबू से लोग फिर से दुकान की ओर खींचे चले आते हैं। जुगनू ग्राहकों से कहता है, आइए आइए स्वच्छ शुद्ध शाकाहारी बिरयानी खाइए, आइए आइए स्वच्छ शुद्ध शाकाहारी हैदराबादी बिरयानी खाइए। लोग बिरयानी खाकर उसकी तारीफ करते हैं। अरे वाह जुगनू भाई, यह तो बिल्कुल चिकन और मटन बिरयानी जैसी लग रही है। हाँ भाई, कुछ भी हो, चाहे चिकन मटन बिरयानी हो या शाकाहारी पनीर बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी का तो स्वाद ही कुछ और है। चंदू ननकपुर गांव में रहने वाला एक चरवाहा था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वह अपनी बकरियों से बहुत प्यार करता था। उसके रेहड़ में काफी सारी बकरियां थी और एक कुत्ता भी था जो बकरियों की रखवाली करता था। चंदू रोज सुबह अपनी बकरियों को लेकर पास के जंगल में जाता और शाम को उन्हें चराकर वापस आ जाता। रास्ते में आते जाते जब भी कोई उसकी बकरी को छेड़ता तो कुत्ता उस पर भौंकता था। अरे चंदू, अपने कुत्ते को बांध कर रखा कर, यह हर आने जाने पर भौंकता रहता है। यह मेरा कुत्ता नहीं, शेर है शेर, अगर मेरी बकरी को छेड़ोगे तो यह खा जाएगा। चंदू की यह बात सुनकर सभी गांव वाले उसका मजाक उड़ाते हैं और हंसने लगते हैं। चंदू वहां से चला जाता है। काफी दिन बीत जाते हैं। चंदू रोज की तरह अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल लेकर जाता है। शाम को वापस लौटते हुए उसे रास्ते में कुछ आवाज सुनाई देती है, तो उसे एक बड़ा सा बिल्ली का बच्चा पड़ा हुआ मिलता है। अरे यह बिल्ली का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? अगर इसे यहाँ छोड़ दूं तो रात को कोई जानवर इसे खा जाएगा, इसे अपने साथ ही लेकर चलता हूँ। चंदू उस बिल्ली के बच्चे को उठाकर अपने साथ घर ले आता है और उसे दूध पिलाता है। अब वह बिल्ली का बच्चा भी चंदू के घर पर ही रहने लगता है। कई महीनों बाद एक दिन जब चंदू ने बिल्ली के बच्चे को देखा, अरे यह इतना बड़ा कैसे हो गया? चंदू ने उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह प्यार से गुर्राने लगा और चंदू के पैर चाटने लगा। उसकी आवाज सुनकर चंदू का कुत्ता वहां से भाग गया। अरे यह मैं शेर का बच्चा उठा लाया, अब मैं क्या करूं? इसे गांव के बाहर जंगल में ही छोड़कर आता हूं। अगले दिन जब चंदू उस शेर को जंगल वापस ले जा रहा था तो सभी गांव वाले उसे देखकर डरने लगे। अरे चंदू, यह शेर कहां से पकड़ लाया? छोड़ आए इसे जंगल में, नहीं तो यह हम सबको खा जाएगा और तेरी बकरियों को भी। मैं कहता था ना, यह मेरा कुत्ता नहीं, शेर है शेर। ऐसा कहकर चंदू हंसने लगा। चंदू ने जंगल
जंगल में जाकर शेर को एक पेड़ से बांध दिया और अपनी बकरियों के साथ शाम को वापस अपने घर आ गया। उसी रात दो चोर बकरियां चोरी करने के इरादे से चंदू के घर में घुसे। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारी बकरियां हैं, पर इस कुत्ते का कुछ करना होगा। और वह कुत्ते के ऊपर बेहोशी की दवा वाला कपड़ा फेंकता है। चंदू का कुत्ता बेहोश हो जाता है। दोनों चोर जैसे ही चंदू के रेहड़ में बकरियां चुराने घुसते हैं, तभी उन्हें वहां शेर दिखाई देता है। दोनों को देखकर शेर गुर्राता है। शेर की आवाज से चंदू की नींद खुल जाती है। जैसे ही चंदू अंदर जाकर देखता है तो दोनों चोरों को वहां देखकर हैरान हो जाता है। शेर दोनों चोरों के सामने खड़ा था और दोनों चोर वहां से भाग जाते हैं। शेर चंदू के पैरों में आकर लेट जाता है। शुक्रिया मेरे दोस्त, आज तुम्हारे कारण ही चोर बकरियां चुरा कर नहीं ले जा सके, अब तुम मेरे साथ रह सकते हो। सीख, प्यार और इंसानियत से हम खूंखार से खूंखार जानवर को भी अपना बना सकते हैं। सुंदर नगर में अमित नाम का एक लड़का रहता था, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर होने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। एक दिन वह मायूस होकर गांव के चबूतरे पर पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी एक बुजुर्ग स्कूल टीचर वहां से गुजरे। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम? अरे कौन, अमित कैसे हो बेटा, क्या कर रहे हो आजकल? बस गुरुजी, इसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ सबको। बहुत दुखी लग रहे हो बेटा। हाँ गुरुजी, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी कोई काम नहीं मिला। बेटा तुम तो होशियार हो, मेहनती हो, कुछ भी काम कर लो, कल से तुम मेरे बेटे की मोटर वर्कशॉप में आ जाओ। अमित अगले ही दिन से गुरुजी के बेटे विक्रम की मोटर वर्कशॉप में काम करने लगता है। वह काम में इतना निपुण होता है कि किसी भी गाड़ी को देखते ही देखते ठीक कर देता है। एक दिन खाली बैठे बैठे उसके मन में कुछ नया करने का विचार आया, तो उसने विक्रम से कहा, विक्रम भाई, क्या मैं वर्कशॉप में पड़ा पुराना सामान इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। अमित अगले ही दिन से काम के साथ साथ खाली समय में अपना आविष्कार करने में लग जाता है। वह एक वैन की फ्रेम पर एक बड़ा इंजन रखकर उसमें गियर बॉक्स फिट कर देता है और उसमें बड़े और पतले टायर लगाता है। कुछ ही दिनों में वह एक ऐसी गाड़ी तैयार करता है जो दिखने में तो वैन जैसी लगती थी, लेकिन उसकी ऊंचाई काफी थी। वह गाड़ी इतनी ताकतवर थी कि किसी भी तरह के उबड़ खाबड़ रास्ते पर बड़े आराम से चलती थी। अमित और विक्रम जब अपनी गाड़ी लेकर सड़क पर निकले तो सभी लोग उसे देखकर हैरान हो गए। तभी गांव के चौराहे पर पुलिस वालों ने उनकी गाड़ी को रोककर कहा, ऐसा नमूना लेकर निकलोगे तो तुम किसी को मार डालोगे, दोबारा इसे सड़क पर लेकर मत आना। कुछ दिनों बाद गाँव में बहुत तेज बारिश होती है और पूरे गाँव में पानी भर जाता है। कोई भी गाड़ी इस भरे पानी में नहीं चल पाती, इस कारण गांव वालों तक मदद नहीं पहुंच पाती है। तभी अमित अपनी गाड़ी को चलाना शुरू करता है। उसकी गाड़ी ऊंचे होने के कारण पानी में नहीं डूबती और ताकतवर होने के कारण पानी में बड़े आराम से चल पड़ती है। वह अपनी गाड़ी में खाने पीने का सामान और दवाइयां रखकर बाढ़ के पानी से घिरे लोगों के घर घर तक पहुँचाता है। सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं और बाढ़ का पानी खत्म होने पर गांव के सभी लोग अमित और विक्रम को सम्मानित करते हैं। तब गुरुजी कहते हैं, हमें हर किसी के काम का सम्मान करना चाहिए, पता नहीं कब किसी की बनाई चीज हमारे काम आ जाए। मुंबई का बड़ा पाव वाला गोविंद गांव से मुंबई अपने चाचा राम प्रसाद से मिलने आया था। राम प्रसाद एक मिल में मजदूरी करता था और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पेट पालता था। गोविंद को अपने चाचा के घर आए एक हफ्ता हो चला था। एक दिन रामप्रसाद की पत्नी ने रामप्रसाद से कहा, अजी सुनते हो, पहले ही कम खर्चा था क्या, जो अब ये नया खर्चा हमारे गले आ पड़ा है। अरे भगवान चुप हो जाओ, नहीं तो वो लड़का सुन लेगा, दो चार दिन घूमकर गांव चला जाएगा। उन दोनों की बात गोविंद सुन लेता है और घर से बाहर किसी काम की तलाश में निकल जाता है। पूरा दिन मुंबई की सड़कों, बाजारों और कई फैक्ट्रियों में काम मांगने के बाद वह थक हार कर समुन्द्र किनारे आकर बैठ जाता है। तभी वह देखता है कि एक आदमी अपने सिर पर एक टोकरी में बड़ा पाव लेकर बेच रहा था। रामप्रसाद उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। वह आदमी उससे कहता है, अरे क्या बात है बबुआ, क्यों उदास लग रहे हो, कुछ खाया वाया नहीं है क्या, क्या बड़ा पाव खाओगे? गोविंद कुछ नहीं कहता
और मायूस होकर उसे देखता रहता है। वह आदमी गोविंद को एक वड़ा पाव खाने को देता है। गोविंद वड़ा पाव खाकर उससे कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। अरे बिटुआ कौन हो तुम, यहाँ क्यों घूम रहे हो? गोविंद उसे सारी बात बताता है और उससे कहता है, चाचा मैं भी कोई काम करना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास मेरे लायक कोई काम है तो बताओ। अरे ठीक है बचुआ, कल से मेरे साथ आकर बड़ा पाव बेचो। गोविंद अगले ही दिन उस बड़ा पाव वाले के साथ मिलकर बड़ा पाव बेचना शुरू कर देता है। बड़ा पाव ले लो, बड़ा पाव, स्वादिष्ट स्वादिष्ट बड़ा पाव। गोविंद वड़ा पाव बनाते हुए अपने गांव के पकौड़े बनाने की तरकीब उसमें मिला देता है, जिसके कारण उसके बड़े पाव सभी लोग पसंद करते हैं। अरे वाह बेटा, ऐसे वड़े पाव तो हमने आज तक कभी नहीं खाए। अरे साहब, इसमें मुंबईया स्वाद के साथ साथ मैंने अपने गांव के मसाले भी मिलाए हैं। गोविंद शाम को अपने चाचा से कहता है, चाचा यह लो मेरी आज की पहली कमाई, अब मैं आप पर बोझ नहीं हूँ, मैं अपने बल पर इस शहर में कुछ बनकर दिखाऊंगा। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। और देखते ही देखते गोविंद मुंबई का वड़ा पाव वाला बन जाता है और मुंबई में ही रहने लगता है। प्लीज सब्सक्राइब।